लॉकडाउन पांचवा दिन भारी पुलिस बल मौजूद। अयोध्या जनपद के हृदय स्थली चौक घंटाघर, यह ऐसा चौक है जहां पर हर तरफ से लोग आते हैं। हजारों की संख्या में भीड़ यहां पर इकट्ठा होती थी, पर आज ऐसा दिन जिस तरह से लॉकडाउन होने के बाद पूरी सड़कें सूनी सूनी नजर आ रही हैं, वहीं पर भारी पुलिस बल मौजूद होने के बावजूद भी इक्का दुक्का लोग किसी न किसी बहाने से घर से निकलते हैं और देखते हैं शहर का क्या माहौल है। लेकिन जब पुलिस वाले इनको रोकते हैं, प्यार से अपील करते हैं और पूछते हैं, तो कोई ना कोई बहाना बनाते नजर आते हैं। कभी दवा लेना है, सब्जी लेना है, जबकि जिलाधिकारी आदेशानुसार ट्रकों पर फल साग सब्जी जरूरत की चीजें दरवाजे दरवाजे पर पहुंच रही हैं, उसके बावजूद भी लोग घर से निकलने को मजबूर हैं। जबकि शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सीआरपीएफ के जवान, पीएससी के जवान, सिविल पुलिस एसपी श्री विजय सिंह पाल अपनी ड्यूटी को बखूबी से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बल लोगों से अपील करते नजर आ रही है और कहते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें, कोरोना वायरस छूने से बढ़ता है, आप लोग कम से कम एक फीट की दूरी बनाएं, जरूरत पड़ने पर अपने घर से निकलें। जबकि जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोविजन स्टोर, मेडिकल स्टोर, दूध आपके दरवाजे पहुंचेगा, उसके बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं। इनको कोरोना वायरस का कहर लगता ही नहीं है, यह अपने जीवन से खेल करते हैं, जबकि बार बार पुलिस वाले आग्रह करते नजर आ रहे हैं। जनपद का हृदयस्थल चौक है जहां पर आप देख सकते हैं कर्फ्यू का आज लॉकडाउन का पांचवा दिन रहा और आप देखें किस तरह से यहां पर मुस्तैदी से डटे हुए यहां के सुरक्षा कर्मी। अगर हम बात करें पीएससी बल और यहां पर जिस तरह से आरएफ सीआरपीएफ के जवान यहां पर मुस्तैदी डटे हुए हैं, और देखिए अगर किस तरह से लगता है कि यहां पर जो है बहुत तेजी से यहां पर जो है सुरक्षा कर्मी करके यहां पर लोगों को समझाया जा रहा है। लेकिन लगता है इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी लोग सड़कों के घर से निकलते हैं, क्या इनको कोरोना वायरस का कहर का डर नहीं है? देखिए जिस तरह यहाँ पर रोका जा रहा है लोगों को, आखिर ये हेलमेट लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हैं, आखिर इनको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि कोरोना वायरस किस तरह से महामारी का रूप धारण कर चुका है। लेकिन अगर हम दिखावे यहाँ पर किस तरह से भाई लोग यहाँ पर चल जा रहे हैं, देखिए ये गाड़ी का दौड़ नहीं है, इनको कहीं से भय नहीं है, यानी लॉकडाउन होने के बावजूद भी जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। आइए अगर हम बात करें यहाँ के एसपी श्री माननीय विजयपाल सिंह यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम बात करेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और किस तरह से यहाँ पर रोका जा रहा है, यहाँ के एसआई महोदय जो है खड़े हुए हैं। अगर एसपी श्री बात करें यहाँ पर क्या तरह से क्या यहाँ पर व्यवस्था है, कैसे क्या बताया ये यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं आप बताएं। जी 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 बिल्कुल, डिस्टेंस है, आप बताएं कि क्या व्यवस्थाएं हैं इतनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाने के बाद, बताएं आवाज। ऐसा है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, जो लॉकडाउन है उसका पालन कराया जा रहा है, जो जरूरी सामान है जो जारी करी है सबको ये हिदायत दी गई है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है जो निश्चित दूरी है उसको मेंटेन। देखिए कितनी अच्छी बात है, अभी एसपी जी महोदय यहाँ पर बताया इन्होंने कि डिस्टेंस बहुत ही मस्ट है और किस तरह से हमसे बात करने की दूरी बनाई। आइए देखिए किस तरह से यहाँ पर एसआई महोदय, यहाँ के चौक के एसआई जो है, अगर बात यहाँ पर है मुस्तैदी डटे हुए हैं और अगर देखें यहाँ पर कार या जो है बाइक, देखिए किस तरह से यहाँ पर दौड़ रही है, इनको लगता है कोई डर ही नहीं है और देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। आइए देखते हैं क्या है और चौक चौकी इंचार्ज महोदय, हेलो द्विवेदी जी, नहीं बताओ देखिए यहाँ पर, देखिए किस तरह से यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अपनी जीवन से खेल कर रहे हैं, खेल करते जा रहे हैं ऐसे ही लोग यहाँ पर। देखिए अगर जो भीड़ दी गई थी, भीड़ खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर किस तरह से लोग डरे हुए हैं। देखिए अगर जो है विमान मनोबल के बाद पर्चे देते हुए जिस तरह से यहाँ से पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और लोगों को समझा रहे हैं, इसके बावजूद भी लगता है कहीं ना कहीं अब इनको दयालुपना हटाना पड़ेगा। मैं प्रभु श्री राम की नगरी स्थित काशीराम कॉलोनी के निवासी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद लोगों तक श्री राम जन्मभूमि थाने में तैनात कांस्टेबल रवि प्रताप सिंह एवं उनके सहयोगी रंजीत सिंह अपने बजट से गरीब परिवारों के चार लोगों को एक राशन का पैकेज जिसमें 5 किलो आटा, चावल, दाल, 200 ग्राम तेल, नमक का पैकेट, चीनी 500 ग्राम, चाय की पत्ती, 50 ग्राम मसाले का पाउच दिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांस्टेबल रवि सिंह ने कहा कि मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ सराहनीय कार्य किया जाए, तो इसी को देखते हुए आज हमने
इन लोगों की मदद की और आगे भी करते रहेंगे। इस अवसर पर सराहनीय पहल पर कानूनी वासियों ने तालियां बजाकर इनका स्वागत किया। मिला है राशन। कैसे मिला है? कैसी स्थिति आपकी उस समय जब आपके पास नहीं था, तो आपके पास खाने का था या नहीं था? अब खा रहे है, कहाँ खा रहे? मतलब खुशी है आपको? हाँ, आपको खुशी है ना, मिली जो भूखन मिल जाए तो खुशी नहीं है। क्या नाम है आपका? शिवदासी। कब से रह रही हो यहाँ पर कॉलोनी में? आए? कब से रह रही हो यहाँ? यहाँ तो कॉलोनी पायन तब से ही थे, आज 8 साल से और ज्यादा। केंद्रीय दुर्गा पूजा समेत पलायन कर रहे लोगों को लंच पैक बांटा। लॉकडाउन के 5 दिन बाद भारी संख्या में कई राज्यों से पब्लिक अपने घरों को पलायन कर रही है। चलिए ले चलते हैं आपको अयोध्या जनपद के करण थाना क्षेत्र अंतर्गत शहादतगंज चौकी के निकट। पलायन कर रहे लोगों का थर्मल स्कैनिंग के बाद सभी लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में नोट करके मुहर लगाकर लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसें सेवा के लिए लगी रही। इसी कड़ी में केंद्र दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष मनोज जायसवाल अपने साथियों के साथ लंच पैक पानी की बोतलें बांटते रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मनोज जायसवाल ने कहा कि जिस दिन से प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है, ठीक उसी दिन से सुबह शाम अपने साथियों के साथ पलायन कर रहे लोगों को लंच पैक व पानी की बोतलें समिति द्वारा बांटी जा रही है। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता, तब तक केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति लगातार इस तरह का कार्य करती रहेगी। सभी पलायन कर रहे लोगों से अपील है, सभी लोग कम से कम 1 फीट की दूरी बनाएं। बचाव ही सुरक्षा है, कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई पर रखें विशेष ध्यान। हमारे भाई आ रहे हैं दिल्ली से, विभिन्न साधनों से, रोडवेज की बस से, पैदल, मोटरसाइकिल से, ऑटो से, तो यहाँ फैजाबाद से आजमगढ़ बिहार की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति की तरफ से लंच पैकेट और पानी की व्यवस्था आज की गई है। हम लोगों ने कल दिन में भी लंच पैकेट का वितरण किया था, रात में भी वितरण किया था, आज फिर इस समय दिन में हम लोग लंच पैकेट का वितरण कर रहे हैं और शाम को भी वितरण किया जाएगा। और जब तक लॉकडाउन चलेगा 14 अप्रैल तक, तब तक हम लोग लंच पैकेट और पानी का वितरण करते हैं जनता को। लंच पैकेट की बात देने के बाद क्या संदेश दे रहे हैं आप? हम ये संदेश दे रहे हैं कि जो लोग अपने परिवार के पास जा रहे हैं, तो कम से कम जो अभियान है लॉकडाउन का, उसका पालन करते हुए जाएं, 4-4 फीट का गैप बनाते हुए अपने साथियों के साथ जाएं और पूरी स्वच्छता बरते, मुंह में मास्क लगा के चले, और जो भी भारत सरकार का दिशा निर्देश है लॉकडाउन को लेके और कोरोना जैसी महामारी से बचाव का, उसको पूरा करते हुए निकले ये लोग। क्या नाम? मनोज जायसवाल, अध्यक्ष केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति अयोध्या।